नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 15 जनवरी 2018। स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। इस वीडियो में हम हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज सुप्रीम कोर्ट के जज के इम्पीचमेंट के बारे में है। कुछ लोग ये मांग उठा रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा को इम्पीच कर देना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चार जजेस जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की उनको इम्पीच कर देना चाहिए। इम्पीचमेंट किसकी होगी ये तो डिफिकल्ट है, मुश्किल ही है, लेकिन प्रोसीजर काफी सुर्खियों में है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूवल का ऑर्डर भी पास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 यानी 1968 रेगुलेट करता है सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के प्रोसीजर को, और जो ग्राउंड्स हैं, किस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, वो ग्राउंड लिखा गया है आर्टिकल नंबर 124(4) में। क्या ग्राउंड्स हैं? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को रिमूव किया जा सकता है। तो देखो, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 कहता है अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को रिमूव करने का प्रोसीजर स्टार्ट करना है लोकसभा में, तो एक मोशन प्रेजेंट करना होगा स्पीकर को, और उस मोशन पे कम से कम 100 लोकसभा एमपीज के साइन होने चाहिए। और राज्यसभा में अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को रिमूव करने का प्रोसीजर स्टार्ट करना है तो मोशन प्रेजेंट करना होगा राज्यसभा के चेयरपर्सन को, चेयरमैन को, और उस मोशन पे कम से कम 50 राज्यसभा एमपीज के साइन होने चाहिए। उसके बाद स्पीकर डिसाइड करेंगे, अगर राज्यसभा है तो चेयरमैन डिसाइड करेंगे कि उस मोशन को एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता। अगर उस मोशन को स्वीकार किया जाता है स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा, तो 3 सदस्य की एक कमेटी गठित करनी होगी, जिसमें कौन कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद पे ही आरोप है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई दूसरा जज होगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किसी एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और तीसरे नंबर पे कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो ये 3 सदस्य होंगे, कमेटी गठित की जाएगी। अगर लोकसभा में मोशन आया है तो स्पीकर के द्वारा, राज्यसभा में मोशन आया है तो चेयरमैन के द्वारा। ये 3 सदस्य कमेटी जांच करेगी जिस बेस पे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाना है, क्या वो आधार सही है, यानी मिस बिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी का जो बेस बनाया गया है मोशन में, क्या वो आरोप सही है या गलत है। अगर ये 3 सदस्य कमेटी पाती है कि आरोप जिस जज को रिमूव किया जाना है वो बिल्कुल सही है, तो उसके बाद दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी के साथ उस मोशन को पास करना होगा। स्पेशल मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, और 2/3 मेजोरिटी जितने प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं। तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ दोनों हाउसेज में जब ये मोशन पारित हो जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का एड्रेस प्रेजेंट किया जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के उस जज को रिमूव कर सकते हैं। तो ये काफी लंबा प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए। अगला आर्टिकल इंडियन हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में है। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स में किसान धन्यवाद करते हैं भगवान का, अच्छी फसलों के लिए खुशी बनाते हैं। नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं हमारे देश में हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के। जैसे नॉर्थ इंडिया में नाम है मकर संक्रांति, 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। होता क्या है, इस दिन से सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, दिन ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। पोंगल, पोंगल को वैसे तो साउथ इंडिया में कई जगह पर सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मेन जो त्यौहार है पोंगल वो तमिलनाडु का है, 4 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है इस त्यौहार को। आगे है मगा बिहू, बिहू को सेलिब्रेट किया जाता है असम में। उसके बाद उत्तरायण, उत्तरायण को सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में, और इस दिन पतंगों का फेस्टिवल भी चलता है, पतंग उड़ाई जाती है। मघी, मघी जो नाम है वो है पंजाब में, मकर संक्रांति को एज ए मघी सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन रिवर में यानी नदी में डुबकी लगाना काफ़ी पवित्र माना जाता है। उसके बाद है साजी, साजी जो त्यौहार है वो मकर संक्रांति का ही नाम है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और सबसे लास्ट में है किचेरी, किचेरी फेस्टिवल, ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है उत्तर प्रदेश में, इसमें भी रिचुअल बाथिंग होती है। तो ये कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स थे जो हमने डिस्कस किए, पूछ सकती है यूपीएससी इन हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी की जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शंस को फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट करवाने के लिए। गाइडलाइंस दी जाती हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, जो कि उन्हें फॉलो करनी होती है इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट करवाने के लिए। और देखो, सबसे पहले जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट की गई थी वो की गई थी 1971 में, और उसके बाद समय समय पे इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बदलाव किया है पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति से, कंसेंसस से। लेकिन अब देखो, एक जरूरत आन पड़ी है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में फिर से बदलाव करने की। अभी एक रूल है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, 48 घंटे पहले, मान लीजिए परसों इलेक्शन होने हैं 17 जनवरी को, तो आज क्या है 15 जनवरी, आज 15 जनवरी 5 बजे तक
चुनाव प्रचार जितना होना है हो जाएगा, और आज के बाद, आज 15 जनवरी 5 बजे के बाद कोई भी चुनाव प्रचार नहीं होगा अगर इलेक्शन है 17 जनवरी को, यानी 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद करना पड़ता है। लेकिन देखो अभी जो है वो सोशल मीडिया का युग है, इंटरनेट का युग है, ये जो चीज है वो इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट नहीं कर पाता। पहले तो क्या होता था, जब इंटरनेट नहीं होता था तो लाउड स्पीकर वगैरह बंद करवा दिए जाते थे। अब तो लास्ट के 48 घंटों में भी सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे चुनाव प्रचार चलता रहता है। तो इसीलिए अब इलेक्शन कमीशन ने एक 14 मेंबर्स की एक कमेटी गठित की है, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर उमेश सिन्हा की अध्यक्षता में, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये मांग कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन अब इस कंपोनेंट को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से हटा ले, कि चुनाव से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ी पार्टीज हैं वो तो सोशल मीडिया पे अपना प्रचार चलाती रहती हैं पैसों की सहायता से, और इलेक्शन कमीशन उस पर लगाम नहीं लगा सकता क्योंकि सोशल मीडिया को एक लेवल के बाद कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो अब ये उमेश सिन्हा की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई है, ये कमेटी विचार करेगी इन सभी पहलुओं पर, क्या 48 घंटे वाला जो बैन होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, क्या उसको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। अगर नहीं हटाना चाहिए तो क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में किसी प्रकार का फेरबदल करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो यह पूरा आर्टिकल है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल नॉर्थ कोयल रिजर्वर प्रोजेक्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, एमओयू साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज झारखंड और बिहार गवर्नमेंट के बीच में नॉर्थ कोयल रिजर्वर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड से कुछ फंडिंग आएगी और दूसरी तरफ बिहार गवर्नमेंट और झारखंड गवर्नमेंट भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए फंड्स प्रोवाइड करेंगे। नॉर्थ कोयल रिवर के बारे में हम बात करें तो ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर की, और सोन रिवर ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। अगर ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा, बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा जब ये प्रोजेक्ट, तो झारखंड और बिहार के जो ड्रोट प्रोन डिस्ट्रिक्ट हैं उनको पानी मिलेगा, किसानों को वहां पर पानी मिलेगा सिंचाई के लिए। नॉर्थ कोयल रिवर रांची प्लेटू से निकलती है, झारखंड से फ्लो करती है, और एक बात यह भी याद रखिएगा कि झारखंड के बैतला नेशनल पार्क के नॉर्दर्न एरिया से फ्लो करती है नॉर्थ कोयल रिवर। आजकल यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत पूछती है, जो रिवर न्यूज में होती है उसको किसी नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कनेक्ट कर देती है। तो याद रखिएगा नॉर्थ कोयल जो रिवर है वो बैतला नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, और जो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है नॉर्थ कोयल रिवर की, औरंगा और अमानत, ये ट्रिब्यूटरीज हैं नॉर्थ कोयल रिवर की। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, याद रखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आगे पीआईबी है, देख लेते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आज कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। सक्षम 2018 ये एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है, अवेयरनेस कैंपेन है। इस कैंपेन के अंदर जनता को अवेयर किया जाता है फ्यूल कंजर्वेशन के बारे में, ईंधन यानी फ्यूल को कंजर्व करने के क्या फायदे होंगे, किस प्रकार से वो फ्यूल को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम चलाया जाएगा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी पीसीआरए के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की गाइडेंस में, और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि ऑयल एंड गैस पीएसयूज या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इस अवेयरनेस कैंपेन में। तो याद रखिएगा सक्षम 2018 फ्यूल कंजर्वेशन से संबंधित कैंपेन है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंटरनेशनल टर्मिनेशन चार्जेस यानी आईटीसी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने इंटरनेशनल टर्मिनेशन चार्जेस को कम कर दिया है। होते क्या है ये इंटरनेशनल टर्मिनेशन चार्जेस, एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं ए और बी, ए रहता है यूएसए में और बी रहता है इंडिया में। बी इस्तेमाल करता है एयरटेल का सिम और ए यूएसए में है तो वो इस्तेमाल करता है यूएसएनएल का सिम, जैसे इंडिया में बीएसएनएल है वहां पे यूएसएनएल है, ए इस्तेमाल करता है यूएसएनएल का सिम। तो देखो ए अपने फोन से कॉल करता है बी को इंडिया में, तो देखो यूएसएनएल जो कंपनी है उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे एयरटेल को कॉल कनेक्ट करने के लिए, यानी जिस सिम पे कॉल की जाती है विदेश से इंडिया में, तो विदेश की कंपनी को इंडिया की टेलीकॉम कंपनी को कुछ पैसे देने होते हैं, उसको कहते हैं इंटरनेशनल टर्मिनेशन चार्जेस। अब ट्राई ने इंटरनेशनल टर्मिनेशन चार्जेस को कम कर दिया है। अब टेलीकॉम कंपनीज इंडिया में विरोध जता रही हैं ट्राई के इस डिसीजन का, वो कह रही है कि हमें इससे तो फायदा होता था, आपने इंटरनेशनल टर्मिनेशन चार्जेस को कम कर दिया है। इंटरनेशनल टर्मिनेशन चार्जेस से हमें फॉरेन करेंसी में रेवेन्यू भी हासिल होता है, फॉरेन अर्निंग भी हासिल होती है। तो ये पूरा आर्टिकल था इंटरनेशनल टर्मिनेशन चार्जेस के बारे में। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने प्रोसीजर जाना, सुप्रीम कोर्ट के अगर किसी जज को रिमूव करना है तो पूरा प्रोसीजर आखिरकार है क्या। उसके बाद हमने डिस्कस किया इंडिया के हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में हमने जाना। इलेक्शन कमीशन ने 14 मेंबर्स की एक कमेटी गठित की है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर उमेश सिन्हा की अध्यक्षता में। उसके बाद हमने नॉर्थ कोयल रिवर प्रोजेक्ट के बारे में जाना, नॉर्थ कोयल रिवर पर ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है।
पीआईबी में हमने सेक्शन 2018 के बारे में जाना और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल टर्मिनेशन चार्जेस आखिरकार हैं क्या और कंटेस्ट क्या है। ट्राई ने इंटरनेशनल टर्मिनेशन चार्जेस को कम करने का निर्णय लिया है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।